ठाणे के माझीवाड़ा परिसर में लोढ़ा लग्जरिया में गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। 5 राउंड फायरिंग होने की खबर यहां पर सामने आई है। कल शाम करीब 6:30 बजे के आसपास में ये फायरिंग की वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद में राजेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही घर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 5 राउंड इन्होंने फायरिंग की है। हालांकि परिवार के लोगों में किसी की भी जान जाने की खबर नहीं है। मौके पर कापुर बावड़ी पुलिस पहुंच गई और राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में राजेश शर्मा के बेटे विक्की शर्मा और सहायक पुलिस आयुक्त नीलेश सोनावने ने क्या जानकारी दी। आपका नाम बताइए और क्या हादसा हुआ है? विक्की राजेश शर्मा। मतलब डैड ने घर पे फायरिंग की पी के, क्योंकि हमेशा वो करते हैं, झगड़े करते रहते हैं, तो आज भी उनका मूड अच्छा नहीं था, गुस्सा था। मम्मी को मारने चले, बीच में हम आए तो गोलियां चलाई उन्होंने घर पे। इतनी गोलियां चलाई? 5 राउंड। इसमें किसको दुखापत हुए? मेरे छोटे भाई को लगा हाथ से। एक्चुअली क्या कारण है ये सब होने के कारण? कारण कुछ नहीं है, वो अपने मेंटली अनस्टेबल है, वो अपने आपे में नहीं रहते, जो भी दिखता है उनसे झगड़ा करना चालू कर देते हैं। इससे पहले कभी उन्होंने? पहले भी फायरिंग की थी, उनका लाइसेंस जब्त था, मतलब लिया गया था पिस्टल, अब वापस मिल गया उनको। तो अभी क्या गुनाह नोन कर रहे हैं? किसके कौन गुनाह नोन कर रहा है? मतलब गुनाह क्राइम कंप्लेंट मम्मी ने किया और हम लोग ने किया। देखिए, कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन में एक एरिया है जहाँ क्लियर माउंट नाम की एक बिल्डिंग है, लोढ़ा लग्जरिया माझीवाड़ा में। वहाँ 51 साल के एक राजेश मोहनलाल शर्मा, जिनके बारे में ये वारदात हुई है, उन्होंने फायर किया। इस तरह की जब हमें न्यूज़ मिली और वहाँ जाके जब छानबीन किया तो वहाँ ऐसी बात सामने आई कि उन्होंने फायर किया है। उनके पास जो रिवॉल्वर है उनका, उसके पास लाइसेंस है वैलिड, और उन्होंने फायर किया। लेकिन जब हमने राजेश मोहनलाल शर्मा को पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उनकी पूछताछ की तो अभी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर है। वो बोल रहे हैं कि उनकी और उनके फैमिली मेंबर, उनमें से प्रॉपर्टी के आधार पर कोई नोक जो हुई थी, पिछले कई दिनों से डिस्प्यूट चल रहा है। और आज ये बात सामने आई कि ये अंडर इन्फ्लुएंस लीकर होने के कारण ये थोड़ा वायलेंट हो गए थे और बाकी लोगों ने इनको दबोच के रखा। ये बात ये जो शर्मा है वो अभी कह रहे हैं, अभी तो FIR का काम चालू है। तो उनसे वो ग्रैब करने के बाद उनसे छुड़वाने के लिए उन्होंने उनके पास जो रिवॉल्वर था उनसे फायर किया है। फायर में अभी कितना राउंड वगैरह फायर हुआ है वो तो हम जांच छानबीन कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसी वारदात नहीं है कि किसी की जान भी वगैरह कोई झुकी में नहीं है। ये ऑल आर सेफ फैमिली मेम्बर्स, और जो बिल्डिंग है वो भी सेफ है, छानबीन चल रही है, अभी FIR लेने का काम चालू है। रिवॉल्वर जो थी उन्होंने बरामद किए, उस आदमी को हमने हिरासत में लिया है।